नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे एका नवीन व्हिडिओ मध्ये। तर मी आज आहे वडोदरा मध्ये आणि इथे ना दोन MSU फेमस आहेत। एक म्हणजे महाराजा सयाजीराव युनिव्हर्सिटी आणि दुसरी जिथे आपण जात आहोत ते म्हणजे महाकाली शेव उसळ। जात असताना मध्ये आपल्याला लक्ष्मी विलास पॅलेस लागतो, जो की एकदम बघण्यासारखा आहे। इथे आलात तर नक्की ते व्हिजिट करा। आणि हा आहे कीर्तिस्तंभ, जो की एक पॉप्युलर लँडमार्क आहे वडोदऱ्यामध्ये। फायनली आपण पोहोचलो आहोत जय महाकाली शेव उसळ सेंटरमध्ये। अत्यंत अभिमानाने सांगावं असं वाटतं की आपली मराठी माणसं देवेंद्र आणि बलराम साने साहेब हे या हॉटेलचे ओनर आहेत। जे लोक बोलतात ना मराठी माणूस स्वतःचा व्यवसाय नाही करू शकत, त्यांच्यासाठी एक मोठं उदाहरण यांनी बनवलं आहे, ते देखील गुजरात राज्यात। आपले तीन आराध्य दैवत साई सरकार, राजा शिवछत्रपती शिवाजी महाराज आणि ज्याला बघायला सर्वांची ओढ लागले तो आपला लालबागचा राजा। सो इथे बसायची व्यवस्था आहे आणि संडेला तर ना 1.5 ते 2 तास लोक वेटिंगवर असतात आपला नंबर येईपर्यंत। हा छोटासा किचन एरिया जिथे तुमचे प्लेट्स रेडी होतात। फायनली आपले डिश देखील रेडी झाले आहेत। पुढील थोडासा भाग ना हिंदीमध्ये शूट केला आहे, तर तेवढं समजून घ्या। शिखर भाई, ये कौन सा अपना चीज? ये अपना चीज सेव उसल। चीज सेव उसल, तो क्या क्या इसके साथ आता है वो खाली बताइए। अपना सेव आती है, डुंगड़ी आती है, लिली डुंगड़ी आती है, इसको लिली ये बटन है। ओके, फिर अपना लसन की चटनी आती है, लसन की, और हरी चटनी, हरी चटनी आती है, और अपना ये पानी का रस आता है, इसको ये मिला के सब अपने को मिक्स करके खाना रहता है। ओके, तो नॉर्मली हम लोग के यहाँ पे कैसा रहता है पता है क्या? हम लोग के यहाँ पे मिसल पाव मिलता है महाराष्ट्र में, तो वैसे ही रहता है अपना वटाना मटकी का वगैरह उसल रहता है और उसके ऊपर फरसान रहता है। जैसे यहाँ पे सेव है ना, ऐसा फरसान रहता है और यहाँ इसको हम लोग ना तरी बोलते हैं, और ये ब्राउन कलर का रहता है हम लोग यहाँ पे। अच्छा, अलग से आता है। ओके, सो बताइए अभी कैसे चालू करते हैं, अपन कैसे खाते हैं एक बार? ये जो पूरा है ना, जैसे एक प्लेट पे हम रख देते हैं। ओके, उसके ऊपर थोड़ी बहुत सेव मिक्स करते हैं, डुंगड़ी मिक्स करते हैं। ओके, और जिसको जो टेस्ट है उस हिसाब से वो चटनी लेना है, चटनी वगैरह मिक्स करके फिर पाव, ये पाव के साथ पाव को इसमें डुबो के खाना। अच्छा, डुबो के खाना, जैसे अपन ये डुबो के फिर उसको मिक्स करते हैं साथ में। एक बताओगे आप एक पाव को? भाई अपने शिखर भाई एकदम एक्सपर्ट है। दिखने में तो एकदम टेम्पटिंग लग रहा है, टेस्ट में भी उतना ही होगा, बिकॉज इतनी सारी भीड़ यहाँ पे जमा है। ये सब टेस्ट के हिसाब से अपने हिसाब से करें, ये सब को अच्छे से मिक्स कर देने का। ओके, इसमें थोड़ी चटनी। अभी ये पाव लेके इसका ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, कर दिए, और अभी ये सबको मिक्स करके ओके अपन इसको मतलब ऐसे खा सकते हैं। तो कैसी है टेस्ट? एकदम फाइन है, एकदम खा, यस यस एकदम जकार है। सो ये है वडोदरा की महाकाली सेव उसल, जहाँ पे हम लोग ने लिए सेव उसल। कैसा लगा टेस्ट आपको? एक नंबर। और जैसे शिखर भाई भी बोले, सभी चीज़ को अगर मिक्स करके खाओगे ना एक नंबर टेस्ट आ रहा है, खास करके डोंगरे का एक अलग ही आ रहा है टेस्ट, बहुत ही मस्त लगा यहाँ पे आके। सो अभी हम लोग एंजॉय करते हैं, पूरा ख़त्म करते हैं और फिर वापस से आपसे मिलते हैं। मित्रांनो, खरंच खूप छान टेस्ट होती आणि ते संपून आता आपण छास इथे पीत आहोत।
इथे डिशचे रेट्स पण दिले आहेत. आय होप तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल. वडोदरामध्ये असेल तर नक्की या ठिकाणी भेट द्या आणि आपल्या मराठी माणसाला असा सपोर्ट करत राहा. भेटूया पुन्हा एकदा एका नवीन ठिकाणी एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत फिरत राहा, खात राहा आणि आनंदी राहा. जय शिवराय.